वेलकम टू माय चैनल. अभी हम कर रहे हैं ऑसिलेशन पार्ट टू. ये वाला वीडियो देखने से पहले पार्ट वन आप जरूर देख लेना. लास्ट वीडियो में हमने कंसिडर किया था कि हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है या तो फिर थोड़ा खुजली वाला पार्टिकल है तो मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर इपॉक से स्टार्ट हो रहा है. अब ये वाला पार्टिकल तो भाई क्या बात करूं इसकी, ये तो ना मीन से स्टार्ट हो रहा है ना इपॉक से स्टार्ट हो रहा है, ये तो एकदम ही अलग पार्टिकल है, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है बंदा. तो अब इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, नथिंग न्यू. हमारा जो इपॉक है बच्चा फाई, वो कितना बन गया अपना 90 डिग्री. तो जो अपना इक्वेशन था उसमें अगर मैं पुट कर दू वाई इज ए साइन ओमेगा टी प्लस 90. ओ ओ ये तो देखा हुआ है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ओमेगा टी. तो यहाँ पे वाई का इक्वेशन क्या बन गया, ए कॉस ओमेगा टी. इसी को डिफ्रेंशिएट कर दू तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. वापस डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी. तो ये कब हम लिखेंगे, जब हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है. ओके उसके बाद नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन. मतलब हमारी डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर करेंगे. जैसे अगर सपोज मैं बात करूं मेरा पार्टिकल यहाँ पे है तो ये जो डिस्टेंस है वो जो एक्स है ना, वो हम कहाँ से लेते हैं, एक्स बोल दो या वाई बोल दो, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा. जैसे अब हम किस में बात कर रहे हैं, वर्टिकल की, तो मैं इसको वाई बोल रही हूँ. तो ये वाई किसके बराबर होगा, सॉरी ये जो वाई की डिस्टेंस हमने मेजर की कहाँ से मेजर की, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम द मीन पोजीशन. अगर सपोज आपको कभी ऐसा दे दिया गया, सपोज दैट दिस डिस्टेंस बी इक्वल्स टू एक्स, एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो आपको एक्स नहीं लेना है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए माइनस एक्स, बिकॉज ए इज वॉट, इट इज द एम्पलीट्यूड. तो हम डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से ही मेजर करेंगे. ओके उसके बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट विल बी प्लस और माइनस ए, और मिनिमम कुछ नहीं अपनी मीन पोजीशन पे होगा तो जीरो. उसके बाद वेलोसिटी का भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाले हैं, वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या तो फिर वाई स्क्वायर, कुछ भी चलेगा बच्चों, अगर आपको एक्स याद है तो भी चलेगा. वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सो वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी बच्चों, दिस विल बी एट द मीन पोजीशन. मतलब हमारा जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तब उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन. सो मैक्सिमम कब है, जब एक्सट्रीम पे है, और मिनिमम कब है, जब वो मीन पे है. अब ये छोटा सा मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देती हूँ. यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने वी और वाई का एक ग्राफ ड्रॉ किया है. जैसे यहाँ से देखो बच्चा, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पूरे को हम स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये वहां पे वही लिखा. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस वाई स्क्वायर को मैं ये साइड लेके आ गई और उस पूरे को मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमको ये इक्वेशन मिल रहा है. अब ये किसका इक्वेशन होता है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इसलिए यहाँ पे वी और वाई का हमारा जो ग्राफ बना है दैट इज एन एलिप्स. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कितना है ए ओमेगा और ये कितना है ए. अगर सपोज हमारा ओमेगा वन हो गया तो ये क्या होगा, दिस विल बी अ सर्कल. तभी होगा जब हमारा ओमेगा कितना है वन. तो अगर ओमेगा वन होगा तो जो ग्राफ है किसके बीच में, वी एंड वाई के बीच में, ये ग्राफ हमारा क्या होगा, सर्कल. ओके नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का जो हमारा इक्वेशन है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं. अब ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए मैक्स विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और ए मिनिमम विल बी जीरो. तो जब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तब हमारा एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, या बोल सकते हैं जब हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तब हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. सो इट इज द
मैक्सिमम एट इट्स एक्सट्रीम पोजिशन एंड मिनिमम एट इट्स मीन पोजिशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस मैं आपको बताती हूँ. अगर हम बात करेंगे, अगर हम मीन पोजिशन पे है तो मीन पोजिशन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, एक्सिलरेशन इज मिनिमम. अगर हम एक्सट्रीम पोजिशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मिनिमम एंड एक्सिलरेशन इज ऑल्सो मैक्सिमम, बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. इसलिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है दिस इज एक्सिलरेशन एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट. तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बट यहाँ पे ग्राफ कैसा है, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है. जब हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तब हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. ओके, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन शो हार्मोनिक वेरिएशन विद टाइम. मतलब ये साइन कॉस ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शंस है. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन के जितने भी हमने इक्वेशंस लिखे हैं उसमें कॉस या साइन आता है, सो दीज आर हार्मोनिक वेरिएशंस. नेक्स्ट इज वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय टू आगे होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पाई बाय टू आगे होगा. तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे हो गया बच्चों, पाई. वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पाई बाय टू, एक्सेलरेशन हमारी वेलोसिटी से आगे है, वो कितना आगे है, पाई बाय टू. तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन से कितना पीछे हो गया, पाई. कुछ भी बोल सकते हैं आप, राइट. ओके, नेक्स्ट हम जो इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे दैट इज एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पे कितने फॉर्मूलाज हैं, अभी तक आप लोग ने एक फॉर्मूला आप सब लोग ने पढ़ा ही होगा, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, या तो नहीं तो वाई नहीं तो एक्स पढ़ा होगा, कुछ भी चलेगा बच्चों. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर भी चलेगा या तो फिर एक्स स्क्वायर भी चलेगा. उसके बाद दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर. वाई क्या होता है बच्चों, इट इज ए साइन ओमेगा टी, तो हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. उसके बाद यहाँ पे एक और मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया, ए स्क्वायर भी मैं बाहर ही ले लेती हूँ. अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करूँ, सो इट इज वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू, वो टू मैंने बाहर ले लिया. तो यहाँ पे ये एक नया फॉर्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी का दिख रहा है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बताना भूल गई बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर को हम के भी बोल सकते हैं. मतलब ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम. वेरी वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, आधी रात को भी ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए. ओमेगा इज अंडर रूट के बाय एम, सो एम ओमेगा स्क्वायर इज के. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाफ के वाई स्क्वायर. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मींस एट द एक्सट्रीम पोजीशन. तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या तो फिर हाफ के ए स्क्वायर. और मिनिमम जीरो, ये मिनिमम जीरो कहाँ पे होगी, दिस विल बी एट द मीन पोजिशन. एंड मैक्सिमम कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पोजिशन पे. उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली विद डबल फ्रीक्वेंसी. जो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है ऑफ एसएचएम. डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे, ये सब बच्चों को नहीं आता इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन करके रखे हैं. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या तो फिर हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. उसके बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी मैं से जैसे पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आपको फॉर्मूला दिए हैं, काइनेटिक एनर्जी का हम लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी या तो फिर वन बाई फोर के ए स्क्वायर वन प्लस कॉस टू ओमेगा टी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट मैक्सिमम कब होगी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम तब होगी जब ये वाई वाला टर्म मिनिमम होगा. मिनिमम मतलब कहाँ पे होगा, मीन पोजिशन पे. तो इसका फॉर्मूला आएगा हाफ के ए स्क्वायर दैट इज एट द मीन पोजिशन. बहुत सिंपल है, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. एंड मिनिमम कहां पे होगी, जीरो, दैट इज एट द एक्सट्रीम पोजिशन. उसके बाद अगेन काइनेटिक एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली विद डबल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. इसकी भी फ्रीक्वेंसी डबल और काइनेटिक एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी डबल. उसके बाद टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर या तो हम बोल सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो ये कांस्टेंट होती है, इसको पोजीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे हम मीन पे हो चाहे हम एक्सट्रीम पे हो, ये कांस्टेंट ही रहेगा. उसके बाद एक और चीज बच्चे मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है,
यहाँ पे हम क्या है, अगर हम मीन पोजिशन पे है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट विल बी इक्वल टू दी टोटल एनर्जी, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, जीरो. अगर हम a बाय टू पे चले गए, ठीक है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3e बाय 4 और हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी e बाय 4. उसके बाद अगर हम a बाय रूट टू पे हैं तो काइनेटिक एनर्जी विल बी e बाय 2 एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी आल्सो इक्वल्स टू e बाय 2. मतलब ये दोनों सेम होंगे. डायरेक्ट एमसीक्यू के पूछ लेते हैं कि हमारी कौन सी डिस्प्लेसमेंट है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होंगे, सो दैट इज नथिंग बट a बाय रूट 2. उसके बाद अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी और पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी ही हमारी टोटल एनर्जी होगी. मतलब एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली इक्वल टू द टोटल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. उसके बाद नेक्स्ट इज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी. ये आप लोग के लिए नया होगा, खाली फॉर्मूला याद रख लो, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जिसको मैं ई बाई टू भी बोल देती हूँ. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों भी सेम होगी एवरेज, हाँ, तो इसका भी क्या लिखा, ई बाई टू, बिकॉज ई कितनी होती है अपनी टोटल एनर्जी, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. बच्चों ये बहुत सिंपल है, बट ये आप लोग को बोर्ड्स में एक डेरिवेशन भी था, मैं खाली लिख के दे रही हूँ, ये आपको याद रखना है. डी स्क्वायर वाई प्लस डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, टी इज टू पाई बाय ओमेगा, मतलब कितना एक ऑसिलेशन करने के जो टाइम लगता है उसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं. सो टी इज टू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा आपको पता है ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम. अभी जस्ट हमने किया k इज m ओमेगा स्क्वायर, तो मैं यहाँ पुट कर दूं तो t का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई बाय अंडर रूट m बाय k. अब अगर आपको याद है k इज व्हाट, k इज फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह मैं लिख सकती हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, t इज 2 पाई अंडर रूट m बाय m a बाय x. ये m और m लुढ़क गए, तो t इज 2 पाई अंडर रूट x बाय a. सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी टाइम ही है और ये भी टाइम का ही फॉर्मूला है, t इज 2 पाई अंडर रूट m बाय k, वेर m इज मास एंड k इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, या तो फिर t इज 2 पाई अंडर रूट x बाय a. सिमिलरली अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं यहां से. बच्चों फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 बाई 2 पाए अंडर रूट के बाय एम, और दूसरा फॉर्मूला 1 बाई 2 पाए अंडर रूट ए बाय एक्स. ओके, सो नेक्स्ट इज अगर हम ये हमने किसका टाइम पीरियड निकाला, अगर हम SHM का टाइम पीरियड निकालेंगे तो ये होगा. लेकिन अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये एक पेंडुलम है, यानी एक धागा है जिसकी लेंथ है L और जिसमें हमने एक बॉब है जिसका मास m है वो हमने बांध दिया, और ये क्या कर रहा है, ये ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, t इज 2 पाई अंडर रूट l बाय g, जिसे x बाय a था, x वॉज वॉट, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, l, और यहाँ पे एक्सेलरेशन, इस पे एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है, ग्रेविटी. तो इसका फॉर्मूला होगा t इज 2 पाई अंडर रूट l बाय g. अब कौन से फैक्टर्स टाइम को, टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम को चेंज करते हैं, तो फर्स्ट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब हम इसको इतना ऑसिलेट कराएं कि इतना बड़ा बड़ा ऑसिलेट कराएं, एम्पलीट्यूड से ये डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, कितना भी मास हो, चाहे 10 ग्राम का बॉब है चाहे 100 ग्राम का बॉब है, हमारा जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मीन्स उसको मास से कुछ लेना देना नहीं है. नेक्स्ट टी और एल का रिलेशन आप यहीं से देख सकते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, मतलब अगर हमारा L इंक्रीज होगा तो T इंक्रीज होगा, बट रिलेशन ध्यान रखना, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L. ओके, जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इट इज द ग्राफ बिटवीन T एंड L, सो द ग्राफ बिटवीन T एंड L इज अ पैराबोला. ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछते हैं बच्चा, T और L का ग्राफ क्या होगा, सो इट्स अ पैराबोला. ओके, नेक्स्ट अगर टी स्क्वायर और एल का ग्राफ पूछ लिया, देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन. मैंने दोनों ग्राफ आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किए, सो इट्स अ पैराबोला एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन.
नेक्स्ट टी और जी का क्या रिलेशन है, सो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी. यहाँ पे भी मैंने आप लोग के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है, दैट इज अ ग्राफ बिटवीन जी एंड टी स्क्वेयर, या हम बोल सकते हैं इट इज अ ग्राफ बिटवीन रूट जी एंड टी. तो ये एक ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब इसका क्या रोल है, जैसे अगर हम गर्मियों में बात करें, अगर जो हमारी ये स्ट्रिंग है ये कोई मेटल स्ट्रिंग है, तो इसकी गर्मियों में क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. अगर इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई बच्चों, तो हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा, बिकॉज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल. तो इसका अगर टाइम इंक्रीज हो गया, तो हमारा जो पेंडुलम है वो थोड़ा सा हम ऐसा बोल सकते, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है ऑसिलेट करने के लिए, मतलब हमारा पेंडुलम स्लो हो जाएगा. ओके, सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस, सो टाइम पीरियड इंक्रीजेस, सो द पेंडुलम्स बिकम स्लो. लेकिन अगर हम ठंडियों की बात करें, तो ये लेंथ कम हो जाएगी, तो हमारा टाइम भी कम लगेगा, तो हमारा जो पेंडुलम है वो फास्ट हो जाएगा. और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, टी बाई टी नॉट इज अंडर रूट एल बाई एल नॉट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो लेंथ है उसको हम एल नॉट बोलेंगे, और वो टाइम पे जो टाइम पीरियड है उसको हम टी नॉट बोलेंगे. फिर हमने इसको थीटा डिग्री तक टेम्परेचर राइज किया, तो हमारी लेंथ कितनी हो गई एल, और हमारा जो टाइम है वो हो गया टी. सो टी बाई टी नॉट इज अंडर रूट एल बाई एल नॉट और 1 + 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा. तो हमको ये फॉर्मूला मिला, दैट इज द चेंज इन द टाइम अपॉन टी नॉट, दैट इज द ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा. ओके, नेक्स्ट इज द ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन डिफरेंट सिचुएशंस. बच्चों ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इसमें क्या बोलते हैं कि हमने ये पेंडुलम को एक लिफ्ट में लगा दिया, और ये जो लिफ्ट है हमारी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो टाइम का क्या होगा. बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसका टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इज 2π अंडर रूट एल बाई जी, मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द फॉर्मूला फॉर टाइम. लेकिन अगर यही लिफ्ट हमारी ऊपर जाने लगी विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो आपको क्या करना है, सूडो लगाना है. अगर आपको सूडो भी याद नहीं रहता, तो मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला बोलती हूँ, टी इज 2π अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए. अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी की जगह खाली क्या डाल देना, जी प्लस ए, बस इतना याद रखो. अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, और यही लिफ्ट अगर हमारी नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो अभी आप लोग खुद को ही समझ गया होगा, टीका क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, इट विल बी 2π अंडर रूट एल बाई जी माइनस ए. तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, और नीचे जा रही है तो जी माइनस ए. अगर सपोज ये फ्री फॉल के स्टेट में आ गए, फ्री फॉल मतलब ए और जी दोनों सेम हो गए, तो हमारा टी क्या हो जाएगा, टी विल बी 2π अंडर रूट एल बाई जी माइनस जी, जी माइनस जी जीरो, सो टाइम विल बी इनफाइनाइट. ओके, खाली एक स्पेशल केस है. नेक्स्ट इज बच्चों सेकेंड स्पेंडुलम. सेकेंड स्पेंडुलम मतलब जो हमारी पहले की घड़ियां होती थी वो इसी बेसिस पे हमको टाइम दिखाती थी. ओके, जो पेंडुलम होता था उसको एक ऑसिलेशन करने के लिए 2 सेकेंड लगते थे. तो अगर उसने पहले वो यहां पर है अपनी मीन पोजीशन पे, और वो यहां से एक्सट्रीम से वापस मीन तक आई, मतलब उसको कितना टाइम लगा होगा, 1 सेकेंड. तो हमारी घड़ी का कांटा 1 सेकेंड आगे हो जाता था. फिर उसके बाद वो पूरा यहां पे जाएगी और फिर वापस आएगी, तो उसको और 1 सेकेंड लगेगा, तो हमारी घड़ी का कांटा 1 और सेकेंड आगे चला जाएगा. मतलब एक ऑसिलेशन में हमारे घड़ी का कांटा 2 सेकेंड आगे चला जाएगा. ओके, तो उसको सेकेंड पेंडुलम का टाइम कितना लगता है, 2 सेकेंड. तो मैंने टी की जगह 2 डाल दिया बच्चों, सो 2 इज 2π अंडर रूट एल बाई जी. तो आप देख सकते हो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मैं लिख सकती हूँ 1 = π अंडर रूट एल बाई जी. मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 = π स्क्वायर एल बाई जी. तो आपको एल की वैल्यू यहां से क्या मिल गई, पाई स्क्वायर बाई जी. सो दिस लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर. ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ आइसोक्रोनस. हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट काफी बच्चों को ना ये नाम पता नहीं होता है, इसलिए मैंने स्पेशली लिखा है. लॉ ऑफ आइसोक्रोनस मतलब ये जो हमारा सिंपल पेंडुलम है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है उसको एम्पलीट्यूड से कुछ भी लेना देना नहीं है. तो ये जो लॉ होगा उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ आइसोक्रोनस. ध्यान से सुनना बच्चों, सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड.
ओके अभी और भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं. जैसे ये क्या है, ये हमारा जो पेंड्यूलम है ये हमने किसी लिक्विड में डाल दिया. 90% ऑफ द केस में हम इसको वाटर में डाल देते हैं. तो आपको पता होगा अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो क्या होता है, ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगता है. आपने कभी किसी को उठा के देखा है पानी में? हाँ बॉयस, ओके जस्ट किडिंग. तो अगर हम किसी पेंडुलम की बात कर देते हैं तो इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा और बॉयंट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ. तो जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो हमारा कम हो जाएगा, इसकी वजह से g भी हमारा चेंज हो जाता है. तो ये तो अगर हम एयर में है उसका फॉर्मूला t इज 2π अंडर रूट l बाय g, और अगर हम लिक्विड में चले गए तो t डैश इज 2π अंडर रूट l बाय g इफेक्टिव, चेंज हो जाएगा ना अभी. तो ये जो g इफेक्टिव है इसका फॉर्मूला g 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड या जो भी सब्सटेंस हमने डाला. तो इसको ये साइड ले लूं तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड. तो टी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, टी डैश और जी का रिलेशन इनवर्स है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, टी डैश बाय टी इज इक्वल टू जी बाय जी डैश. बट जी डैश क्या होता है बच्चों, g dash is nothing, g density of substance minus density of water upon density of substance. तो g g cancel हो गया. तो यहाँ से हमको क्या मिला, density of substance upon density of substance minus density of water and the whole is under root. Okay, this is important. हाँ okay, next is electric field. मतलब हमने ये जो हमारा बॉब है इसको हमने कुछ चार्ज दे दिया तो इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा था और जो फील्ड हमने लगाई वो ऊपर की तरफ लगाई. और आपको पता होगा f कितना होता है इसमें, q इंटू e. तो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, qe बाय m. ओके तो ये एक्सिलरेशन कितना है, qe बाय ऊपर की तरफ और g नीचे की तरफ. तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा, t इज 2π अंडर रूट L अपॉन G माइनस QE बाय M, बिकॉज G बच्चा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और ये QE बाय M किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ. हम तो क्या करेंगे, सिर्फ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर यहाँ पे G भी नीचे की तरफ है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2π अंडर रूट L G प्लस QE बाय M. ओके ये सब स्पेशल केसेस हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं आइडिया होगा इसलिए मैंने ये हमारे कॉन्सेप्ट में ले लिया है. उसके बाद नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, मीन्स एल इज इक्वल टू आर. सो टी का फॉर्मूला है 2π अंडर रूट आर बाय 2g. काफी बच्चे को लग रहा होगा मिस को क्या हो गया है, यहाँ पे 2 क्यों ले लिया, बट बच्चों ये फॉर्मूला राइट है. और फिलहाल हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम वो सारी चीजें डिस्कस करें, तो बस आप इतना याद रखो कि उसको टाइम कितना लगेगा, 1 आवर. बस आपके लिए फिलहाल यही इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया तो उसका फॉर्मूला 2π अंडर आर बाय 2g एंड विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आवर. Okay students, so that's it in oscillation part 2. Soon we'll start with part 3. Till then, bye bye, take care.